कि शेर आया शेर आया गीदर गया बिल में, शेर आया गीदर गया बिल में, और इमरान प्रतापगढ़ी बस गया है हर एक के दिल में। कांग्रेस का लोग फोन बाजी नहीं करते है, जमीन स्तर पे काम करता है काम। काड़ी साहब क्या माहौल क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया गठबंधन के नाम पर एकजुट हुए हैं और यहाँ के माहौल बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से साथियों की तरफ से खबरें मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, डॉक्टर जावेद साहब जो अच्छे इंसान हैं उनके नाम पर इंशाल्लाह वोट करेंगे। और हमारे तमाम लोगों को दूसरे लोगों की बातों पर नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर जावेद साहब को हमारे इस इलाके से बड़े पैमाने पर जीत दिलाएंगे और कामयाब करने पर हमारी मदद करेंगे। एमआईएम के कारण क्या असर पड़ेगा? नहीं, उनका कोई मामला नहीं है, लोग समझ गए हैं, अभी लोग समझ चुके हैं कि हालात क्या है। यहाँ किसी के हम शिकवा नहीं करते, लोग अकलमंद हैं, दानिश्वर हैं, लोग अपने वोट की कीमत समझते हैं और ये जानते हैं कि एक वोट से जो है हमारा मेंबर की हार्दिक हो सकता है और एक मेंबर की वजह से हमारी हुकूमत भी बन सकती है। राहुल गांधी पर मुकम्मल भरोसा है, देश को भरोसा है, हम सबको भरोसा है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और डॉक्टर जावेद साहब की मुकम्मल तौर पर जीत होगी इंशाल्लाह। क्या माहौल है जिजाक? मैं सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी के आने पर एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि शेर आया गीदर गया बिल में, शेर आया गीदर गया बिल में, और इमरान प्रतापगढ़ी बस गया है हर एक के दिल में। और आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि तमाम लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब से अवैसी आया है, ये मोदी सरकार रही है, हिंदू मुस्लिम बट के रह गया है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि भारत माता के दो संतान, कितने दो संतान, हिंदू और मुसलमान, एक के हाथ में भागवत गीता और दूसरे के हाथ में कुरान, दोनों का एक ही रंग। भाई काटिए, अब अगर कुरान को छापते हैं छापा खाना वही, स्याही वही, कागज वही, छपाने वाला वही, दोनों का एक ही रंग, उठे बैठे खाए पिए एक जगह, फिर भी आपस में जंग, क्या यही है डिजिटल इंडिया का मिशन? इसलिए हमें, हमारे ये किशनगंज वासियों से हमारी ये आग्रह है, निवेदन है कि आने वाले 26 तारीख में हम जंग जमकर कांग्रेस पार्टी की तरफ यानी डॉक्टर जावेद आजाद की तरफ वोट करें और राहुल जी के हाथ में मजबूत करें। धन्यवाद। जावेद साहब का अपने उनका जो फैन बेस है या उनका चेहरा है, क्या देखते हैं उनको, कैसे नेता है? वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तालीम याफ्ता है, आप अंदाजा कीजिए और इसी तरीके से आप तोलिए। लोगों का ऐसा शिकायत रहता है कि वो घूमते नहीं है इलाके। नहीं, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। डॉक्टर जावेद साहब को हमने जब भी याद किया है वो खड़े उतरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने काम को मैं गिनवाऊँ, जब हमारा यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई थी गंडोक में और उनको वहाँ जलाने की तैयारी हो रही थी, डॉक्टर जावेद साहब से मैंने रابطہ किया था और सरकारी खर्च पर उनको लाया गया था डुबानुची आमबारी गांव में, नूरुल हुदा साहब को बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है। अभी जो है वो गाड़ी मई में रुकने की बात थी, जो कौन सी गाड़ी है वो वंदे भारत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ स्टॉपिस हो गया है उसका और लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, डॉक्टर जावेद साहब की कुर्बानी है। पासपोर्ट के लिए हम लोग जो है पटना जाते थे, हज़ारों रुपए खर्च होते थे, उसका ऑफिस बन गया, हज़ारों रुपए लोगों का बचा है, यहाँ पर काम हो रहा है, बेपनाह उनके खिदमत हैं, अच्छे इंसान हैं, इंतकामी मिजाज नहीं है उनका, मिजाज है सादा रंग और तमाम लोगों को लेके वो चलते हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे और उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब के बारे में कि वो सदन में नजर नहीं आते। नहीं, आप लोगों ने देखा है उनको सदन में कभी? नहीं, सदन में डॉक्टर जावेद साहब की जो है 92% हाजिरी है और उनकी 72% बिल्कुल झूठ है। इस झूठ पर हम पढ़ने वाले नहीं है, हमारे इलाके के लोग बहुत समझते हैं। सोशल मीडिया में आ जाता है वो,
और जावेद साहब काम करते हैं, वो सोशल मीडिया दिखावा नहीं करते हैं। देखिए गठबंधन की सरकार बहुत ही जोर और आंधी के तरह बनने जा रही है और हर हालत में हालत बदलने जा रहा है, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे चीजों को पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट पर पोस्ट। डॉक्टर साहब का मेरे मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यहाँ पर सारा चीज रिकॉर्ड है, क्योंकि वो 92% हकीकत जमीनी स्तर में सांसद में हाजिर हुआ है। एमयू का मुद्दा उठाया है, मेरा फोन में है। हर चीज का मुद्दा उठाया है, मेरा फोन में है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस का लोग फोनबाजी नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करता है काम। और बताइए हजरत। देखिए अब मैं क्या बताऊं, लोग समझ रहे हैं, डॉक्टर जावेद साहब के जो वालिद मोहतरम थे मोहम्मद हुसैन आजाद साहब, हमारे इस इलाके को सियासी तौर पर चलना सिखाया है, बड़ी कुर्बानी है। कई मरतबा वो विधायक रहे, उसके बाद डॉक्टर जावेद साहब रहे, अभी एमपी है, और मुझे उम्मीद है किशनगंज के लोग इनकी सादगी मिजाज को देखते हुए बड़े पैमाने पर डॉक्टर जावेद साहब को जीत दिलाएंगे। हम लोग बटने वाले नहीं हैं। हर इलाके से ये खबर आ रही है कि सिर्फ डॉक्टर जावेद साहब को नहीं बल्कि हम ऊपर राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, उनकी हुकूमत देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की हुकूमत देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके चैलेंज से, आपके ये जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं और ये पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे और इसका बहुत फायदा होगा, जिसके लिए हम आपके लिए शुक्र अदा करते हैं। क्या क्या लगता है, बताइए क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जिस तरह से वो आज पिछले 1984 से 2024 तक वो लोग आदमी के खिदमत में है, ईमानदार है, बेपनाह ईमानदार है, बेईमान नहीं है, धोखाबाज नहीं है, हैं? लेकिन वो काम करते हैं जमीनी स्तर पर। अभी हमारे डॉग ब्रिज 5 जगह सेक्शन हुए हैं, डॉग ब्रिज 5 जगह डॉग ब्रिज जो है बन रहा है, पोठिया और ठाकुरगंज के बीच में वो जो प्रधानमंत्री रोड है, सिंगल रोड था, वो डबल बन रहा है, फोर बन रहा है, फोर लाइन बन रहा है, ठाकुरगंज में बन रहा है, काम का कोई कमी नहीं है। आदमी लोगों का शिकायत है कि भाई घूमते नहीं, डॉक्टर ऐसा कोई बात नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता को खबर होता है, हम लोग किसान आदमी है, हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पार्टी करके फिरे। अभी हम पोठिया से अभी आए, प्लेन उड़ गया, हम क्या करेंगे? हमारा कसूर है या उनका कसूर है? हमारी मजबूरी है। एक आदमी हमारे यहाँ जो है आज इंतकाल हो गए हैं पलासी में, उसी को देखने के लिए गए थे। बताइए हजरत क्या माने माहौल? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के माननीय राहुल गांधी जी आए हैं, तो मौजूदा हुकूमत को मैं ये शहर से ये इत्तला करना चाहता हूँ कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किरायादार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। बताइए बताइए क्या करने हैं, कहाँ आए थे आप? हम तो कांग्रेस का पार्टी में आए थे। मैंने कहाँ आए थे, कहाँ घूम रहे हैं? यहीं पे दमालवाड़ी सभा में आए थे कांग्रेस। क्या हेलीकॉप्टर देखने आए होंगे? नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर क्यों, राहुल गांधी को जिताने के लिए आए। अच्छा, इस बार हिंदुस्तान में देखिए 2004 की रिपोर्ट दोहराया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 350 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे हम लोग, जितने कार्यकर्ता है। अच्छा, और यहाँ क्या माहौल है? यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है, जिस बूथ में भी हम एक हफ्ता से घूम रहे हैं ना, कम से कम 90% कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है, हर जगह कांग्रेस का। और राहुल गांधी जो वादा करते हैं, जो 1 लाख देंगे तो वो दे के रहेगा, वो कभी झूठा वादा नहीं करते है, मोदी की तरह जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार इंशाल्लाह 2004 की रिकॉर्ड दोहराया जाएगा, तस्लीमुद्दीन साहब 1,63,000 वोट से जीते थे, इस बार भी वही रिकॉर्ड दोहराया जाएगा, कम से कम डॉक्टर जावेद साहब कम से कम 1 लाख से ऊपर मार्जिन के साथ जीत के हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे, ये हम लोग का शुभकामनाएं उनके साथ है। वो जो हमारे कांग्रेस के तरफ से राजीव गांधी और ये खड़गे साहब जो घोषणा पत्र बनाए हैं, वो घोषणा पत्र को हम लोग जो है घर घर हर महिला को पहुंचाते हैं, हर घर घर में जो है उसको खबर देते हैं क्या ऐसा ऐसा उसका योजना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए हजरत कहाँ आए थे? हम आज दमालवाड़ी में खड़े हैं, यहाँ पर सभा हुआ कांग्रेस पार्टी का। क्या सभा देखने आए थे, हेलीकॉप्टर देखने आए? हम शामिल हैं कांग्रेस के, कदम कदम से मिलाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, और कांग्रेस का जो है वो दिखलावा नहीं है,
चाहे वोटर का हो या कार्यकर्ता का हो या कांग्रेस का जो हमारे एमपी है उसका काम हो, दिखलावा कुछ भी नहीं है, इखलास के साथ काम करते हैं, करते रहेंगे और जीत के इंशाल्लाह प्रधानमंत्री को उठा के फेंकेंगे बीजेपी का, इंशाल्लाह कांग्रेस को बैठा। तो आप क्या हेलीकॉप्टर देखने आए थे? नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से आए थे भाई। भाषण सुने क्या सुने, क्या समझे? यहाँ वही अभी सरकार बदलने की बात आ रही है, सरकार चेंज करना है, वरना अगर हम किसी के बहकावे में आए तो हमारा संविधान बदल दिया जाएगा, कानून बदल दिया जाएगा, मुसलमानों को जगह जगह पर टॉर्चर किया जाएगा, मुसलमानों के लिए आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।